बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की बायो में आज हम चैप्टर नंबर 12 टॉपिक पढ़ेंगे, ईयर कान है, ह्यूमन ईयर, इंसानी कान के बारे में पढ़ेंगे। इंसानी कान के तीन हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, दरमियान वाले को मिडल ईयर, और एंड वाला जो होता है सबसे अंदर की तरफ होता है उसे इनर ईयर कहते हैं। यानी इनर और एक्सटर्नल के दरमियान में होता है मिडल ईयर। इसी तरह एक्सटर्नल ईयर जो होता है इसके भी तीन आगे जो है वो पार्ट्स होते हैं। पिन्ना है पहले, ये कान का बाहर वाला हिस्सा जिसमें कार्टिलेज हड्डी होती है और उसके ऊपर स्किन होती है। ऑडिटरी कनाल होती है एक लंबी, आगे थोड़ी सी जो है वो नाली है जिसमें ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके अंदर हेयर्स भी होते हैं जिसका काम है कि कीड़े मकोड़े और मुख्तलिफ जर्म्स को कान के अंदर तक जाने से रोकना, ठीक है, जो टेम्परेचर को जो है मेंटेन करना, और जिस जो कान के अंदर डैम्पनेस होती है, नमी होती है, उसको बरकरार रखना। ये ऑडिटरी कनाल के अंदर ये सारा सिस्टम बना हुआ होता है। और उसका तीसरा हिस्सा होता है ईयर ड्रम, जिसे टिम्पेनियम यानी कि कान का पर्दा कहते हैं। मिडल ईयर में क्या होता है कि उसके आगे फिर जो है वो तीन हड्डियाँ जो हैं वो ऑसिकल्स होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स उनके नाम हैं। वो कान के पर्दे से आगे शुरू होती है मेलियस, फिर इनकस, फिर स्टेप्स, और इसके साथ होती है ओवल विंडो और मेम्ब्रेन होती है इनके साथ। मिडल ईयर में क्या है, मिडल ईयर से जो है वो नेजल केविटी की तरफ एक पैसेज होता है, नाली होती है जिसे यूस्टेशियम ट्यूब कहते हैं, जिसका काम होता है कि ईयर प्रेशर जो होता है ईयर ड्रम कान के पर्दे के दोनों तरफ अंदर की तरफ और बाहर की तरफ उसको मेंटेन रखना होता है, कंट्रोल करना होता है। इनर ईयर जो होता है उसमें तीन किस्म के जो है वो ट्यूब्स होती हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कनाल और कॉकलिया, ठीक है। कॉकलिया के अंदर तीन डक्ट्स होती हैं, कॉयल ट्यूब्स होती हैं, ऐसे बालदार जो उसे कॉयल कहते हैं। साउंड रिसेप्टर सेल्स होते हैं इनके। अच्छा, ये बुक के पेज नंबर 46 के ऊपर अगर आप देखें आपको एक फिगर नज़र आ रही है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ये कान बाहर से शुरू हो रहा है, ये अंदर जो है वो ऑडिटरी कनाल है, ये नाम लिखे हुए हैं, ये ईयर ड्रम है, ये जो यहाँ तक का हिस्सा होता है ये एक्सटर्नल ईयर होता है। तीन हिस्से हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कनाल, ईयर ड्रम। अब आगे ये रेड में जो नज़र आ रही है तीन, ये मिडल ईयर बोन्स होती हैं, एक दो तीन, तीनों के अलग अलग नाम लिखे हुए, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ये भी कुछ हिस्सा मिडल ईयर का, जहाँ से एक ट्यूब निकलती है जो नेजल केविटी में जाती है जिसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने पहले बताया। ये जो ब्लू में नज़र आ रहा है ये इनर ईयर होता है, इसमें सेमी वेस्टिब्यूल होती हैं, सेमी सर्कुलर कनाल हैं, और तीसरी जो है वो कॉकलिया होती है, ठीक है। अब कान का जो ये बाहर वाला हिस्सा होता है ये जो साउंड वेव्स आती हैं उनको डायरेक्ट करता है कि वो अंदर की तरफ जो जाएँ, इसकी सरफेस ऐसे बनी होती है, यहाँ टकराती हैं वो इस तरफ डायरेक्ट हो जाती हैं, यानी उनको सिमत दी जाती है कि इस तरफ जाएँ, वो कनाल के अंदर आती हैं। ईयर ड्रम जो होता है जब इसके साथ टकराती हैं साउंड वेव्स तो ये वाइब्रेट करता है, इसकी वाइब्रेशन जो है वो इसके साथ टच होती है, पहले मेलियस, फिर इनकस, फिर स्टेपल्स, फिर ये ओवल विंडो होती है, साथ इसके तक पहुंचती है वाइब्रेशन, आगे ट्रांसफ़र होती है। वो वाइब्रेशन जो है वो आगे वेस्टिब्यूल्स और ये कॉकलिया तक जाती है, इसके अंदर फ्लूइड फिल होता है और वो फ्लूइड जो इसके अंदर भरा हुआ होता है उसके अंदर भी वाइब्रेशन होती है। कॉकलिया तक जब ये वाइब्रेशन पहुँचती हैं तो यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है जो कि ब्रेन तक जाती है। ब्रेन जो है वो उस साउंड को अब जो है वो समझता है कि ये साउंड क्या कह रही है, तो ये सारा प्रोसेस होता है सुनने का। कान का एक और काम भी होता है जिसे हम कहते हैं मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखता है। बैलेंस ऑफ बॉडी के लिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। सेमी सर्कुलर कनाल जो होती हैं इनके अंदर सेंसरी नर्व्स होते हैं, सेंसरी नर्व जो हैं वो कोई भी जो हेड की सर की जो मूवमेंट होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह वेस्टिब्यूल्स जो होती हैं वो बॉडी का कोई भी पोस्चर, अब दाएँ हैं, बाएँ हैं, आगे हैं, पीछे हैं, उसको जो है डिटेक्ट करती हैं। सेमी सर्कुलर कनाल में से और वेस्टिब्यूल में से न्यूरॉन्स की मदद से आर्टरी कनाल से होते हुए ये सेरिब्रम ब्रेन का हिस्सा होता है वहाँ तक जो है वो नर्व इम्पल्सेस जाती हैं,
जिससे उसको पता चलता है, वो कंट्रोल करता है बॉडी का, दिमाग का ये हिस्सा बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो कान के दो फंक्शन होते हैं ईयर के, एक सुनने का और एक बॉडी का जो है वो बैलेंस बरकरार रखना।